2024 के लिए दिल्ली में बीजेपी का मंथन, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में महासचिवों की हुई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को दिया टास्क, 3 महीने में 10 लाख परिवारों से संपर्क करने का लक्ष्य, मुस्लिम समुदाय में भी पैठ बढ़ाने को कहा। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 11 अगस्त को होगा सत्र का समापन, सत्र में पेश हो सकता है यूसीसी बिल। संसद सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की हुई बैठक, सोनिया गांधी भी हुई शामिल, यूसीसी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। संसद सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले मणिपुर हिंसा, महंगाई और रेसलर प्रोटेस्ट का उठाएंगे मुद्दा। मध्य प्रदेश के शहडोल में पीएम मोदी ने आदिवासी समुदाय से किया संवाद, पीएम ने कई योजनाओं की दी सौगात। शहडोल से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस की गारंटी मतलब नियत में खोट, झूठी गारंटी के धोखे को पहचाने। तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर एक हफ्ते के लिए लगाई रोक। इलॉन मस्क ने ट्विटर यूजर्स के लिए जारी किया नया अपडेट, अब वेरिफाइड अकाउंट्स वाले यूजर हर दिन पढ़ सकेंगे 6000 पोस्ट। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस ने अपनाया सियासी रुख, जयराम रमेश बोले मसौदा सामने आने पर पार्टी विचार कर बनाएगी राय। राशिद अलवी ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा यूसीसी देश की नहीं बीजेपी की जरूरत है, समाज को तोड़ने के लिए ला रहे हैं कानून। यूसीसी पर कपिल सिब्बल ने भी उठाए सवाल, कहा उत्तराखंड का सिविल कोड देश भर में लागू नहीं किया जा सकता, पीएम बताएं किस चीज पर चाहते हैं एकरूपता। यूसीसी पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा हमेशा समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करती आई है कांग्रेस। यूसीसी पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी सबसे बड़ा शगुफा। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस के हित से ज्यादा उन्होंने देश का हित जाना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत, कहा कानून सबके लिए एक होना चाहिए। यूसीसी पर चिराग पासवान की विधि आयोग से मांग, सभी पार्टियों के पढ़ने के लिए भेजा जाए ड्राफ्ट, बिना ड्राफ्ट पढ़े नहीं ले सकते हैं कोई फैसला। यूसीसी पर बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महिला सशक्तिकरण में निभाए गए अहम भूमिका, पूरे देश में लागू हो कानून। एमपी के राजगढ़ में मुस्लिम महिलाओं ने किया यूसीसी का समर्थन, कहा कानून आने से मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा न्याय। आज लखनऊ में सोनीलाल की जयंती के बहाने एनडीए दिखाएगा शक्ति प्रदर्शन, अमित शाह, सीएम योगी और मांझी जैसे नेताओं का मंच पर लगेगा जमावड़ा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज से राहुल करेंगे कांग्रेस के अभियान का शंखनाद, खम्मम में करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी दिखाएगी ताकत, आज बिलासपुर में अरविंद केजरीवाल करेंगे जनसभा, भगवंत मान भी रहेंगे साथ। पश्चिम राजस्थान में जुटे असदुद्दीन ओवैसी की आज जयपुर में जनसभा, प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में AIMIM। राहुल गांधी का मणिपुर दौरा करने पर बोले सीएम बीरेंद्र सिंह, पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आए राहुल गांधी, दौरे के दौरान कई जगह हुई हिंसा। मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस, कहा चुप्पी तोड़े प्रधानमंत्री मोदी, मणिपुर के सीएम से मांगे इस्तीफा। मणिपुर के हालात पर बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, कहा एक हफ्ते में प्रदेश के सुधरेंगे हालात, कांग्रेस पर भी बोला हमला। पटना की सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, डोमिसाइल नीति हटाने की कर रहे हैं मांग। शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला बीजेपी का साथ, 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च का किया ऐलान। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के चिराग पासवान, कहा लाठी ही सीएम नीतीश कुमार के पास एकमात्र समाधान। दिल्ली के भजनपुरा में अतिक्रमण को लेकर बड़ा एक्शन, अवैध तौर पर बने मंदिर और मजार को हटाया गया, भारी पुलिस बल रहा तैनात। भक्तों के लिए किए बाबा बर्फानी के दर्शन, पूजा अर्चना के बाद बम भोले के जय घोष से गूंजी घाटी। पिछले 2 दिनों में 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे कश्मीर, 7,000 के करीब यात्रियों ने की बाबा बर्फानी की गुफा की चढ़ाई। अमरनाथ यात्रा को लेकर 3 लेयर सुरक्षा के प्रबंध, ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। गुजरात के जूनागढ़ में देवदूत बनकर आए एयरफोर्स के जवान, 8 घंटे से फंसे 2 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे किया गया बंद, लगातार बढ़ते जलस्तर से पूरी तरह से बंद हुई सड़क। जूनागढ़ में उफान पर कई नदियां, कलवा नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल, आवाजाही में हो रही परेशानी। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया दौरा, बाढ़ पीड़ित लोगों से भी की मुलाकात। महाराष्ट्र के पालघर में भी बारिश ने मचाई आफत, इलाके में बना पुल टूटा, करीब 10 गांव हुए प्रभावित।
असम में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, मिट्टी के कटाव के चलते विस्थापित हुए हजारों लोग। कानपुर में बारिश ने मचाई आफत, नेशनल हाईवे को पहुंचा नुकसान, पुलिस ने डायवर्ट किया ट्रैफिक। कानपुर में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, जगह जगह हुआ जलभराव। उत्तराखंड के बागेश्वर में कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा, खौफ में जी रहे हैं 28 गांव के लोग, विस्थापन का कर रहे हैं इंतजार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से गिरा पारा, मौसम विभाग का अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। यूपी के उन्नाव में चलती बाइक पर बैठे सात युवक, वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने किया 16,000 का चालान। सोनभद्र में चलते ट्रक में आग लगी, सात पर मची भगदड़, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में गाड़ी में आग लगने के बाद हुआ जोरदार धमाका, गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ हादसा। अमरोहा में चलती कार की छत पर खड़े होकर युवकों ने किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटे पुलिस। उत्तराखंड के पौड़ी में सड़क पर दिखा तेंदुआ, इलाके में मचा हड़कंप, वन विभाग कर रहा है तेंदुए तलाश। कुशीनगर में मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट, सिर पर चोट लगने से महिला की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। झारखंड के कोडरमा में तीन बदमाशों ने की बुजुर्ग की पिटाई, पुलिस ने मारपीट करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में दो बाइकों में जोरदार टक्कर, सामने आया हादसे का वीडियो, एक बाइक सवार की मौत। बेगूसराय में साइकिल चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर, लोगों ने बुरी तरह से चोर की पिटाई की, पुलिस ने चोर को बचाया। दरभंगा में ट्रेन की बोगी में आग लगी, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान, आग पर किया गया काबू। मध्य प्रदेश की मंडला में टाइगर रिजर्व में दिखे बाघ, उमड़ी पर्यटकों की भीड़। ग्वालियर में बीच सड़क पर शराबियों ने जमकर हुई मारपीट, शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद, पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सक्ती में रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। यूपी के फतेहपुर में चलते ट्रक से तार के बंडल गिरने से हादसा, तीन लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच में बाइक चोर गैंग का खुलासा, पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के 16 गाड़ियां बरामद। बलिया में अतिक्रमण पर कार्रवाई, सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। उत्तरकाशी में खड़ी बस में अचानक लगी आग, अज्ञात कारणों से हुआ हादसा, पूरी तरह जलकर राख हुई बस। फतेहपुर में डंपर ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार दो लोगों की मौके पर हुई मौत। राजस्थान की बूंदी में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से की लूटपाट, सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। डूंगरगढ़ में टीचर पर लगा बच्ची को अगवा करने का आरोप, लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने किया प्रदर्शन, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल, न्यायालय ने लगाया 30,000 का जुर्माना। जोधपुर में बस और कार में जोरदार टक्कर, हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत, एक शख्स बुरी तरह से घायल। झारखंड के धनबाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया, इलाके में लागू की गई धारा 144। बिहार के नवादा में 493 पेटी अवैध शराब बरामद, 25 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। नोएडा में बाइक चोरी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की गई 15 बाइक बरामद। यूपी के रायबरेली में किसान से 4 लाख रुपए की लूट, आंख में मिर्ची पाउडर डालकर वारदात को दिया गया अंजाम। बाराबंकी में पानी को लेकर हुए विवाद में महिला की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कौशाम्बी में अवैध धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, पैसों का लालच देकर कराते थे धर्म परिवर्तन। यूपी के अमरोहा में रिक्शा चालक से लूटपाट, मामले का संज्ञान लेते हुए जांच में जुटी पुलिस। गुस्से की आग में धधक रहा फ्रांस, 5वें दिन भी नहीं थमी हिंसा, 45,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। फ्रांस में भड़के हिंसा में अब तक 1311 लोग गिरफ्तार, प्रदर्शनकारियों ने जलाई हजारों कारें। फ्रांस में हिंसा कर रहे आरोपियों में 30% नाबालिग शामिल, मैक्रों सरकार ने दिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई के संकेत। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों इमारतों में लगाई आग, गृह मंत्रालय का बयान, 2560 आगजने की घटनाएं, 79 पुलिसकर्मी हुए घायल। पेरिस में पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सैकड़ों लोग, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रद्द किया जर्मनी का दौरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जुबानी हमला, बाइडेन को बताया अपराधी और झूठा। फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन, 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानूनों का कर रहे हैं विरोध। स्पेसएक्स ने यूक्लिड टेलीस्कोप किया लॉन्च, ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से उठेगा पर्दा।
Peace.